हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस स्टडी 94 में। और दोस्तों मैं यश। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी एग्ज़ाम को पास करने के लिए आपको डेली रूटीन क्या करना पड़ेगा, एग्ज़ाम की तरह दोस्तों आपको अपने आप को चेक करना पड़ेगा। तो उसी उद्देश्य के कारण दोस्तों हम यहाँ पे 15 प्रश्नों को लेकर आए हैं जो आधुनिक भारत से संबंध रखता है। तो जो चीज़ें बहुत ज़्यादा जो संभावित ज़्यादी हैं कि ये प्रश्न पेपर में आ सकता है, उसके बारे में आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और आप लोग कोशिश करिएगा, अगर 15 प्रश्न यहाँ पर हैं तो कम से कम मित्रों आप लोग 11 तो सही कर दीजिएगा। 11 में क्या आएगा, कह सकते हैं आप बेस्ट होगा। अगर आप 7 सही कर रहे हैं तो एवरेज होगा, और 5 कर रहे हैं तो फिर समझ सकते हैं ठीक ठाक पढ़ रहे हैं। तो चलते हैं। तो जैसा कि लिखा है, पहला प्रश्न जैसा कि यहाँ पे लिखा है, असहयोग आंदोलन चलाने की प्रेरणा देने वाला तात्कालिक कारण क्या था? खिलाफत के प्रति अन्याय, रोलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से असंतोष। तो दोस्तों इसमें क्या है, इसमें दोस्तों खिलाफत के प्रति अन्याय, ये सही है। उसके बाद है 1937 ईस्वी चुनाव में मुस्लिम बहुसंख्यक प्रांतों सिंध पंजाब उत्तर पश्चिम सीमांत में मुस्लिम लीग का प्रदर्शन कैसा था? अत्यधिक अच्छा, बहुत अच्छा, अच्छा या बहुत खराब? तो दोस्तों इसमें था बहुत ही खराब। उसके बाद है दोस्तों, मीर कासिम और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच युद्ध का कारण क्या था? सशस्त्र सेनाओं के विषय में उनका विवाद, न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के विषय में उनका विवाद, राजस्व की वसूली के विषय में उनका विवाद, ईस्ट इंडिया कंपनी के गुटी आंतरिक झगड़ों के विषय में उनका विवाद। तो दोस्तों इसमें बताइए आप लोग। तो ये है तीसरा, राजस्व की वसूली में उनका विवाद। उसके बाद है, बहादुर शाह जफर और उनके बेटे को किसने गिरफ्तार किया? लॉर्ड लुइस, कैप्टन हडसन, लॉर्ड कार्नवालिस, कैप्टन हॉकिंस, बताइए जल्दी आप लोग। तो दोस्तों वो है लॉर्ड हडसन। उसके बाद है, भारत में नई भू राजस्व व्यवस्था लागू करने के रिकार्डो के संबंध को अपनाया गया, रिकार्डो कौन था? अर्थशास्त्री, वैज्ञानिक, अंग्रेज गवर्नर जनरल या एक अंग्रेज व्यापारी था? तो दोस्तों वो था आपका एक अर्थशास्त्री था। उसके बाद है 1793 ईस्वी में जब बंगाल में इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किया गया, उस समय बंगाल का गवर्नर कौन था? लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड कार्नवालिस, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड वेलिजली, जल्दी बताओ दोस्तों कौन था? तो था दोस्तों लॉर्ड कार्नवालिस था। उसके बाद है, किस अंग्रेज गवर्नर पर 1792 ईस्वी में ब्रिटिश संसद में भ्रष्टाचार के आरोप लगे और बरी होने पर भी उसने आत्महत्या कर ली? लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड कार्नवालिस, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड वेलिजली, जल्दी बताइए दोस्तों कौन है? तो वो है आपका लॉर्ड क्लाइव। उसके बाद है मित्रों, 1847 ईस्वी से संबंधित किस नेता को बाग डंगा शाह कहा जाता था? कुंवर सिंह, नाना साहेब, वाजिद अली शाह, मौलवी अहमदुल्ला शाह, तो जल्दी बताइए इसमें कौन है? तो इसमें है दोस्तों आपके चौथा सही, मौलवी अहमदुल्ला शाह। उसके बाद है, निम्न में से किसका योगदान 1847 ईस्वी के विद्रोह को दबाने, 1857 ईस्वी को दबाने में नहीं था? निकलसन, कैम्पबेल, कर्नल नील डलहौजी। थोड़ा इन हिंदी के ऐसे अंकों में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है मित्रों, आप समझ लीजिएगा। तो इसमें बताइए कौन है, जल्दी करिए। तो दोस्तों इसमें चौथा डलहौजी नहीं था। उसके बाद है, नई दिल्ली और उसकी इमारतों का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? एडवर्ड लुटियंस, हर्बर्ट बेकर, या दोनों ने, या दोनों से कोई नहीं? तो दोस्तों जल्दी बताइए। तो दोनों ने किया था। उसके बाद है, निम्नलिखित में से किस शहर को अंग्रेजों ने पुर्तगालियों से उपहार में प्राप्त किया था? सोचिए उस समय ये स्थिति थी, भारत को किस प्रकार से बंदरबांट की राजनीति की तरह एक दूसरे से बांटते थे, उपहार में दे रहे हैं जैसे इनके बाप का हो, बम्बई, कोलकाता, मद्रास या गोवा? तो दोस्तों वो था बम्बई। दिल्ली को ब्रिटिश भारत की राजधानी कब बनाया गया? 1990 में, 1911 में, 12 में, 13 में? तो दोस्तों वो था 1912 में, क्लिक करिए। उसके बाद है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव दिया था? अरविंद घोष का पत्र वंदे मातरम, कृष्ण कुमार मित्र की साप्ताहिक पत्रिका संजीवनी, या मोतीलाल घोष की अमृत बाजार पत्रिका, या सतीश चंद्र मुखर्जी की डॉन, जल्दी करिए। तो दोस्तों वो है कृष्ण कुमार मित्र की साप्ताहिक पत्रिका संजीवनी। उसके बाद है,
कांग्रेस के पहले अधिवेशन में एकमात्र महिला प्रतिनिधि कौन थी? एनी बेसेंट, कादम्बिनी गांगुली, सिस्टर निवेदिता, इनमें से कोई नहीं। मुझे पता है इसमें ज़्यादातर लोग कौन सा ऑप्शन चूज किए हैं, पर वो नहीं होगा दोस्तों, इसमें होगा कादम्बिनी गांगुली। बताइएगा आप लोग कौन कौन ये ऑप्शन चूज किया था, एनी बेसेंट। उसके बाद लास्ट प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने कौन से आश्रमों की स्थापना की? फिनिक्स फॉर्म, टॉलस्टॉय फॉर्म, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी बताइए आप लोग। तो इसमें है दोस्तों दोनों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।